अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूं, और ये वीडियो है रीड फाउंडेशन की। रीड फाउंडेशन का आगाज़ 1994 में हुआ। इनके पास पाकिस्तान भर में 390 स्कूल हैं। 390 स्कूल के अंदर तकरीबन 1,15,000 तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं, जिसमें से 12,000 बच्चे जो हैं वो ऑर्फन्स हैं। आप चाहें तो आप एक ऑर्फन बच्चे को यहाँ पर स्पॉन्सर कर सकते हैं। टोटल स्पॉन्सरशिप की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये सालाना। उसके अंदर बच्चों को तालीम भी मिलती है, बच्चों को जूते भी मिलते हैं, बच्चों को किताबें भी मिलती हैं, बच्चों को यूनिफॉर्म भी मिलते हैं। इस वक्त मैं 12 कहूँ के स्कूल के अंदर रीड फाउंडेशन के स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। ये बच्चे सारे मेरे आसपास में मौजूद हैं, इसमें से 27 बच्चे मैंने भी स्पॉन्सर किए हैं, और आपको अल्लाह ने ब्रिज दिया है तो लाल लिस्ट में से मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इन 12,000 बच्चों में से किसी न किसी बच्चे की किसी न किसी शहर में या पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, आप स्पॉन्सरशिप के ऊपर ज़रूर काम कीजिए, उनकी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी ले लीजिए। अहादीस तो आपने सबने सुनी होंगी यतीम की किफ़ालत के लिए, लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अगर आपके बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, अगर वो पढ़ाई में नहीं आ रहे हैं और ज़िंदगी में आगे नहीं चल रहे हैं, तो हम इन मासूम बच्चों में से किसी एक की किफ़ालत कर लें। आप देखेंगे डायरेक्टली उसका असर आपके अपने बच्चों के ऊपर आएगा। आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, वो बीमार नहीं होंगे, वो फेल नहीं होंगे, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो अगर आप अपने रिस्क में से किसी गरीब बच्चे को पार्टनर बना लेते हैं, उसकी कफालत कर लेते हैं, तो अल्लाह आपके रिस्क में भी बरकत देगा और तमाम के तमाम आमाल आपको, उनके असरात जो होंगे आपको अपने बच्चों पर नज़र आएंगे। रीड फाउंडेशन एक्सपेंड करना चाह रहा है, ये चाह रहे हैं इनकी अपनी यूनिवर्सिटी हो जहाँ बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर सकें, ये चाह रहे हैं इनके अपने बहुत सारे स्कूल्स हों। जिस स्कूल में भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी किराए की बिल्डिंग के ऊपर है। अगर आपके पास जगह मौजूद है पाकिस्तान के किसी भी शहर में, आपके पास कोई एम्प्टी बिल्डिंग मौजूद है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, और अगर आप वो दे सकें तो वहाँ पर पूरे का पूरा स्कूल ऑपरेशनल कर देंगे लाइक इन नो टाइम। हमें क्या चाहिए? हमें बिल्डिंग्स चाहिए, हमें जगह चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए। अगर आपके पास हो या आप कुछ काम करना चाहें तो आप ज़रूर रब्ता कीजिए, और ये बहुत कार्य खैर का काम होगा आपके लिए भी और हम सब के लिए भी। 2-3 प्रोजेक्ट्स हम और शुरू कर रहे हैं रीड फाउंडेशन के साथ, जो मैं आपसे गाहे बगाए शेयर करता रहूँगा और उसकी लिंक्स भी दे दूँगा। पहला प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कि हम रीड फाउंडेशन और गुफ्तगू पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है डोनेट अ लाइब्रेरी। 390 स्कूल की लिस्ट आपके पास मौजूद होगी, जिस शहर में आप चाहें आप 50 किताबें, 100 किताबें, 200 किताब की किताबों का सेट डोनेट कर सकते हैं। इस वक्त भी हम लाइब्रेरी में मौजूद हैं, हम आपको दिखा देंगे वीडियो के ऊपर लाइब्रेरी। ये छोटी सी लाइब्रेरी होगी, तमाम बच्चे किताबें पढ़ेंगे, उसका सवाब आपको मिलेगा। और गुफ्तगू पब्लिकेशन ये तमाम किताबें कोस्ट टू कोस्ट देगा, वो कोई इसमें ज़्यादा मुनाफा ले भी नहीं रहा है। दूसरा, वॉलंटियर का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बैरून मुल्क से वॉलंटियर्स लेकर आएंगे जो इन बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। आपको ज़िंदगी में कोई भी स्किल आती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको डेटा साइंस आती है, आपको ब्लॉकचेन आती है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आती है, आप 2-4 दिन के लिए आ जाएं और इन बच्चों को पढ़ा दीजिए, जिससे इन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप वॉलंटियर कर सकते हैं 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, ज़िंदगी के चंद लम्हें, तो 390 स्कूल आपके लिए खुले हुए हैं। हम आपको यहाँ पे फॉर्म शेयर कर लेंगे, फॉर्म का लिंक शेयर कर लेंगे, आप ज़रूर भी ज़रूर इनको आके पढ़ा दीजिए। तो आप वॉलंटियर बन सकते हैं अगर आपके पास माली इस्तेआत नहीं है, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप किताबें डोनेट कर सकते हैं, और अगर बच्चों की आप किफ़ालत कर लें और इनमें से एक बच्चे को भी स्पॉन्सर कर लें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ये बच्चे हैं, आप यहाँ पर आएँ, इनसे मिलें, इनसे सवाल करें, आपको बहुत खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ इस कार्य खैर में हम सब मिलकर साथ देंगे। ये मुस्तकबिल का पाकिस्तान है, और अगर हम इसको मिलकर नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।